अब जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर क्या है कि आइडियल गैस इक्वेशंस, या जिसको आप जनरल गैस इक्वेशन कह सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन या जो जनरल गैस इक्वेशंस होती है ना, ये तब होती है जब आपके पास प्रेशर भी मिला हो, जब आपके पास वॉल्यूम भी मिला हो, जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स भी मिले हो। अगर आपके पास तीन चीज मिली हुई है, उन तीन चीज में से आपने क्या किया कि कुछ एक को इंक्रीज कर दिया, एक चीज वही सेम रही, तो उसमें जब आपसे पूछे ना, तब हम इक्वेशन यूज क्या करते हैं कि आइडियल गैस जो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशंस कहते हैं। जो ये जो हमारे पास इक्वेशंस होती है, ये इक्वेशंस तीनों के तीनों लॉ से बनती है। जो एक लॉ था कौन सा कि बॉयल्स लॉ, दूसरा लॉ कौन सा है कि चार्ल्स लॉ, थर्ड लॉ कौन सा है कि एवोगैड्रोस लॉ। इन तीनों लॉ के जो इक्वेशंस थी, इन तीनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करते हैं ना, तब क्या बनती है, जनरल गैस इक्वेशंस कहती है, बनती है। अब कैसे, अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग चार्ल्स लॉ के हिसाब से देखें, इन्होंने क्या कहा था, जो वॉल्यूम गेन ऑफ मास ऑफ गैस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, टेम्परेचर पे। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, उतना ज्यादा क्या होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनी थी, V इज इक्वल्स K ओवर ये T बनी थी इक्वेशन नंबर वन, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ के हिसाब से। उसके बाद थर्ड लॉ जो हमारे पास था कौन सा, बॉयल्स लॉ। अगर हम देखिए कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ के हिसाब से, बॉयल्स लॉ के हिसाब से इन्होंने कहा था जो द वॉल्यूम गिवन ऑफ मास ऑफ गैस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर पे। ये जो होता है बॉयल्स लॉ का, ये होता है एक कांस्टेंट प्रेशर पे। यहां पे क्या होता है कि प्रेशर जो होता है वो क्या होता है कि कांस्टेंट होता है। जब आप प्रेशर को कांस्टेंट रखें और टेम्परेचर को जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे ना, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ इन्होंने कहा कि जो वॉल्यूम गिवन द मास ऑफ गैस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, प्रेशर पे। मतलब कि अगर आप किसी भी गैस के वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर क्या कर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन कब, कंडीशन से बताई गई कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। जब आप टेम्परेचर को क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे, तब क्या होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रोस लॉ, अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रोस लॉ इन्होंने कहा कि जो द वॉल्यूम गिवन मास ऑफ अ गैस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, नंबर ऑफ मोल्स पे। जितने ज्यादा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो इन्होंने क्या कहा कि जो द वॉल्यूम गिवन मास ऑफ अ गैस होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स पे। जितने ज्यादा आप नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे, मोल्स का मतलब होता है कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी ग्राम्स में कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं, या वन मोल में कितने ग्राम्स प्रेजेंट होते हैं, कंसेंट्रेशन के बारे में बताता है कि जितने ज्यादा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ज्यादा क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा किसका, गैस का। लेकिन उन्होंने अभी कंडीशन बताई कि एट कांस्टेंट प्रेशर भी कांस्टेंट हो, एंड जो टेम्परेचर है वो भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब ये तीन इक्वेशन बन गई, एक बॉयल्स लॉ की, एक चार्ल्स लॉ की, एक एवोगैड्रोस लॉ की। जब हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर वन हो गई, इक्वेशन नंबर क्या हो गई, टू हो गई, और जो इक्वेशन नंबर क्या हो गई, थ्री हो गई। जब कंबाइन करते हैं किसको, इक्वेशन वन को टू को, कंबाइन इक्वेशन वन एंड टू एंड थ्री, तीनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करते हैं ना, तब हमारे पास क्या बनता है कि आइडियल गैस इक्वेशन बनती है, जनरल गैस इक्वेशन बनती है। कैसे, अब अगर यहां पे डिस्कस करें तो इन्होंने कहा कि वॉल्यूम गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कौन कौन से पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तो नंबर ऑफ मोल्स पे, एक तो नंबर ऑफ टेम्परेचर पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप यहां पे एन और ये टी अपान में क्या रखेंगे, टी रखेंगे। क्लियर, कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स पे भी, टेम्परेचर पे भी,
लेकिन प्रेशर के क्या थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम को सेम जगह पे रखें, इस चीज को होता है तो हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट रख सकते हैं, लेकिन क्या है कि जनरल गैस इक्वेशन में, जनरल गैस इक्वेशन के लिए एक ही कांस्टेंट होगा जिसका हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू भी होगा। जैसे के का कोई वैल्यू नहीं था प्रियस में, जैसे आपने कहा आज स्कूल में पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल में ए नॉट जो था एटॉमिक में, एटॉमिक नंबर में उसका कोई कांस्टेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे आर का क्या होता है कि कांस्टेंट होता है, जो आगे जाकर क्वेश्चन में हमें पता चलेगा कि आर क्या होती है। वॉल्यूम अगर यहां से कैंसिल जी कॉस, ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा टी अपान में पी हो जाएगा, क्लियर। आर क्या है, एक जनरल गैस कांस्टेंट है, जो कौन से थी ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हमने यहां पे रखी। अगर टी को साइड में लेते हैं क्योंकि प्रेशर यहां पे चाहिए, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि पी वी इज इक्वल्स ये एन और ये आर ये टी हो गया। ये क्या होती है कि जनरल गैस इक्वेशंस होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, जनरल गैस इक्वेशंस कहते हैं या आइडियल गैस इक्वेशंस कहते हैं। कैसे बनती है, जब आप तीनों के इक्वेशंस को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, बायर सलाह को भी कंबाइन करें, चार सलाह को भी कंबाइन करें, एवोगाड्रो सलाह को भी कंबाइन करें। जब तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, एक जनरल गैस इक्वेशंस बनती है। अब सेम जैसे हमने प्रीवियस में डिस्कस किया है कि इस जनरल गैस इक्वेशंस में क्या होगा कि यहां पे एक फर्स्ट कंडीशंस भी होगी, सेकंड कंडीशंस भी होगी, मतलब कि इनिशियल स्टेट भी होगी, फाइनल स्टेट भी होगी। जब फाइनल स्टेट अगर यहां पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज दैट जो फर्स्ट कंडीशंस, तो फर्स्ट कंडीशंस के बारे में डिस्कस करें। फर्स्ट कंडीशंस हमारे पास कौन सी होती है, एक ऐसी कंडीशंस है जिस कंडीशंस में पहले हमारे पास क्या है कि आपने कोई चेंजिंग्स नहीं की, कोई भी चेंजिंग्स नहीं की, तो क्या हो जाएगा, अगर आर तो बाहर निकालें तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो पीवी जी को सुनना आती है, अगर आर को बाहर लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, पीवी अपान में टी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन में टी वन और ये वी वन अपान में टी वन, इक्वेशन नंबर वन। जनरल गैस इक्वेशन से हमारे पास क्या बनती है, जब हमारे पास वन मोल यहां पे है, वन मोल हमारे पास एन इज इक्वल्स किसके, के वन बराबर है। अब इस वन मोल की क्या करनी है कि जनरल गैस इक्वेशन यहां से निकालनी है, तो क्या हो जाएगा कि नंबर वन मोल्स के लिए, मतलब कि कोई भी हमारे पास क्या है कि वन मोल गैस दिया हुआ है, तो एन इज इक्वल्स क्या होता है कि वन होता है। अब एन इज इक्वल्स वन की जगह पे क्या हो जाएगा कि पी वन वी वन अपान में टी वन हो जाएगा, मतलब कि नंबर वन मोल्स के लिए आप क्या करें कि जनरल गैस इक्वेशंस निकाल रहे हैं। ये हो गया जनरल गैस इक्वेशंस, इसमें अगर हमारे पास एन जो है वो क्या है कि जस्ट वन मोल के बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि पीवी इज इक्वल्स आर टी, ये क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल्स आर टी हो जाएगा। अगर आर को बाहर निकालें तो पीवी यहां पर आ जाएगा, टी हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो सेम हमने कहा कि टी वन वी वन अपान में टी वन, एन हमारे पास क्या है वन मोल है, जस्ट वन मोल के लिए क्या करें इक्वेशन निकालें, तो इक्वेशन नंबर वन हमारे पास ये होगी। सेम जो है वो हमारे पास सेकंड कंडीशन के लिए भी क्या होगा कि ये यूज होगा। सेकंड कंडीशन कौन सी, जब आप इसमें क्या करें कि कोई चेंजिंग्स ला रहे हैं, कौन सी चेंजिंग्स, अगर आपने इसमें से प्रेशर को भी इंक्रीज किया, वॉल्यूम को भी इंक्रीज किया, टेम्परेचर को भी इंक्रीज किया, लेकिन अगर आप वहां से वॉल्यूम आपके पास में नहीं पता, जब आपने प्रेशर इंक्रीज किया टेम्परेचर इंक्रीज किया, अब कुछ रहा कि इसमें कितना क्या होगा कि वॉल्यूम होगा, तो पहले आपको ये तीनों चीजें मिली हुई थी, उसके बाद ये भी मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि वी वन क्या होगा या वी टू क्या होगा, तो जो सेकंड कंडीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टी टू और ये वी टू अपान में क्या हो जाएगा, ये टी टू हो जाएगा। इक्वेशन से हमारे पास क्या हो गया कि ये टू हो गई, क्लियर। जब हमारे पास वन मोल्स दिया हो, वन मोल्स में इनिशियल स्टेट भी होगी, सेकंड स्टेट भी होगी, फर्स्ट स्टेट में क्या होगा पी वन वी वन अपान में टी वन हो जाएगा, सेकंड स्टेट में हमारे पास क्या हो जाएगा पी टू वी टू अपान में टी टू हो जाएगा। अब अगर इस इक्वेशन को और किस इक्वेशन को दोनों को क्या करें कंबाइन करें आपस में मिलाए, तो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा पी वन और ये वी वन अपान में टी वन, इसी कोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा ये पी टू और ये वी टू अपान में यहां पे क्या हो जाएगा टी टू हो जाएगा। ये क्या होगी कि हमारे पास फाइनल इक्वेशन यहां से मिल गई, कि अगर आपके पास किसी भी गैस का, जैसे समझिए कि ये तो हमारे पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर में जो गैस फिल की है वो हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन गैस फिल की है। अब इस हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर भी हमें पता है, इस हाइड्रोजन गैस का प्रेशर भी हमें पता है, इस हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम भी पता है,
अब जब आपके पास टेम्परेचर दिया गया कि 30 सेंटीग्रेड स्पेस का प्रेशर जो है वो 3 एटीएम के बराबर है, उस 3 एटीएम स्पेस का वॉल्यूम जो है वो 400 क्या के डेसीमीटर क्यूब है, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन से। जब आपने क्या किया, इसमें से वॉल्यूम थोड़ा सा इसमें इंक्रीज कर दिया, हाइड्रोजन गैस आपने इसमें ऐड कर दी, कितनी ऐड की आपने, 200 डेसीमीटर क्यूब जो है वो यहाँ पे गैस ऐड की है, प्लस में 200 डेसीमीटर क्यूब आपने इस गैस में ऐड की, तो मतलब कि ये आपके पास क्या बन गया, V2 बन गया। जब V2 बना तो आपने क्या किया, थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, यहां से हीट करना स्टार्ट किया, जो हमारे पास 30 सेंटीग्रेड का। अब आपने जो 10 सेंटीग्रेड और आपने टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, मतलब कि ये यहाँ पे क्या हो गया, T2 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि बताएं कि अब इसका प्रेशर क्या होगा, अब इसका क्या होगा कि प्रेशर क्या होगा, जब इस वॉल्यूम पे, इस वॉल्यूम पे, इस टेम्परेचर पे ये प्रेशर 3 एटीएम था, अगर हमने इसमें टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड इंक्रीज किया और प्लस में वॉल्यूम भी क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, अब बताएं कि इस गैस का प्रेशर क्या होगा, तो हम क्या यूज करेंगे, ये हो जाएगा T1 और V1 अपॉन T1, T2 V2 अपॉन में क्या के T2 है। अब T1 भी आपके पास मिला हुआ है, V1 भी आपके पास मिला हुआ है, T1 भी आपके पास मिला हुआ है, क्या चीज नहीं मिली, V2 भी मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है, जस्ट हमारे पास ये चीज नहीं मिली थी, जस्ट क्या T2 हमें नहीं मिला हुआ। फिर हम क्या करेंगे, इस T2 को यहां से बाहर निकालेंगे, यहां से जैसे क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, तो जो हमारे पास ऊपर है वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे, और जो नीचे वाले वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। तो जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से जवाब आपको क्या मिलेगा, T2 का मिलेगा। लेकिन ये जो जनरल गैस इक्वेशन होती है, ये चीज तो हमें पहले भी मिल रही थी, बॉयल्स लॉ में भी मिल रहा था, चार्ल्स लॉ में मिल रहा था, एवोगैड्रो लॉ में मिल रहा था। यहां से जो ये इक्वेशन हम यूज करते हैं ना, वो दो चीजों के लिए यूज करते हैं, कौन से के लिए, एक तो मास कैलकुलेशन करने के लिए, किसी भी गैस का, किसी भी गैस का आप मास कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा किसी भी गैस की, ये फर्स्ट पॉइंट, दूसरी पॉइंट से किसी भी गैस की आप डेंसिटी निकाल सकते हैं इस इक्वेशन के हिसाब से, किसी भी। हमने कहा कि जो जर्मल गैस इक्वेशन होती है, जर्मल गैस इक्वेशन के जरिए ये दो चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो आप मास कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरी आप उस गैस की डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, कि इक्वेशन हमारे पास क्या है कि PV इज इक्वल्स N और ये R और ये P, जनरल गैस इक्वेशन की ये क्या है, इक्वेशन है। अगर हम यहां से मास कैलकुलेट करें किसी भी गैस का, तो मास कैलकुलेट करने के लिए अब हमारे पास क्या है, जनरल गैस ये इक्वेशन ये। अगर हम देखें तो जो हमारे पास ये क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स है, अब हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं किसके, एन इज इक्वल्स वेट अपॉन है मॉलिक्यूलर मास, देखा मतलब होता है ग्रेन मास आपके पास है। आप यहां पे वेट भी रख सकते हैं, आप यहां पे स्मॉल एम भी रख सकते हैं, कि जितना आपके पास गिवन मास होगा उसको डिवाइड करते हैं एम के साथ, तो हमें क्या मिल जाता है, एन मिल जाता है। अगर मास कैलकुलेट करना है तो उसकी इक्वेशन यहां से निकलेगी। अब जो होगा यहां पे PV इज इक्वल्स एम की जगह पे आप ये चीज पुट करेंगे एम की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, ये W अपान में और ये एम हो जाएगा, प्लस में क्या है कि यहां पे R और ये T हमें मिला हुआ है, क्लियर। जब यहां से PV = nRT मास कैलकुलेट कर रहे हैं, तो PV हमारे पास बराबर nRT के, लेकिन जो एम है वो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है ना वो बराबर होता है गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास के, ये बराबर होता है। अगर हम एम की जगह पे W अपॉन एम रखें तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास सेम इक्वेशन हो जाएगी PV = nRT वाली। अब यहां से ये चीज हमें चाहिए, इस साइड में से ये चीज हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मास को अगर हम यहां पे लेके आए तो जो PV हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, यहां पे नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा W और ये R और ये T अपॉन में और ये T और ये V हो जाएगा। यहां से आप किसी भी गैस का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब W क्या है कि गिवन मास है, उस गैस का मास मिला होगा, मोलर मास मिला होगा। R क्या है कि जनरल गैस इक्वेशन से, T क्या है टेम्परेचर जो 273 केल्विन होता है, डिवाइड करेंगे प्रेशर जो 1 एटीएम होगा, वॉल्यूम जो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है, ये हमने उसके लिए यूज किया जो हमारे पास 1 मोल गैस होगी।
अगर घनमोल गैस का टेम्परेचर भी ज्यादा दिया हुआ है, उसका प्रेशर भी ज्यादा दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम भी ज्यादा दिया है, तो आप जस्ट क्या करेंगे, इन चीजों को पुट करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, उसका मास मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे समझें, यहां पे जो गैस फिल की है उस गैस का मोलर मास कितना है के उसका 30 ग्राम से, उसका वॉल्यूम कितना है कि वो वॉल्यूम 2 dm³ वॉल्यूम दिया हुआ है उस गैस का, गिवन मास भी आपको मिला हुआ है 2 dm³ आपके पास मिला हुआ है, प्लस में इसका टेम्परेचर क्या है 30 सेंटीग्रेड से, आर क्या होती है कांस्टेंट होती है, प्रेशर जो है वो हमारे पास यहाँ पे मिला हुआ है कि वो 3 atm के बराबर है। अब यहां से करें कैलकुलेट मोलर मास मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके दें, फिर आप क्या करेंगे एम को आप यहां पे रखेंगे इसी कोर्स, वेट कितना आपके पास दिया हुआ है 30 ग्राम मल्टीप्लाई बाय आर का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीग्रेड दिया हुआ है 30 सेंटीग्रेड यहां पे रखेंगे, डिवाइड करेंगे किसके साथ जो टीवी के साथ, टीवी आपके पास कितनी है 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय यहां से करेंगे, तो जब आप ये चीज कैलकुलेट करेंगे ना यहां पे आपको क्या मिल जाएगा मास मिल जाएगा। क्लियर। दूसरा होता है कि आप इसी के हिसाब से